ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मोती नगर के पास सुदर्शन पार्क में एक बड़ा हादसा हुआ है। पार्क के पास डी ब्लॉक के अंदर एक कंप्रेशर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से छत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुछ लोगों के दबे होने की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक घर में पंखा बनाने की फैक्ट्री है। अभी तक 8 लोगों को बिल्डिंग से रेस्क्यू करके निकाला गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले कंप्रेशर में धमाका हुआ, जिसके बाद इमारत की छत नीचे आ गिरी, जिससे यहां पर काम कर रहे मजदूर और मौजूद दूसरे कर्मचारी दब गए। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले जोरदार धमाका सुना और फिर तेज आवाज के साथ इमारत की छत नीचे आ गई और वहां चारों ओर धूल का गुबार छा गया। वहीं हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सिलेंडर फटा, पता नहीं क्या फटा, हमें नहीं पता। मैं काम पर से निकल के उधर ही से गए, तब कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं घर पे पहुंची, मैं बैठी कि बस खबर पहुंची कि सिलेंडर फट गया, फैक्ट्री में आग लग गई, सब बच्चे का हो गए घायल। उसमें कोटिंग पाउडर वाली भट्टी होती है ना, ऊपर 2 मंजिले पे थी, वो पूरी लेके उड़ गई थी, वो पूरा ढा गया पूरा। हम सब नीचे थे, सब उसी दबा से। कितने बंदे काम करते हैं उसमें? उसमें तो सब फिटिंग में, मैं बगल वाले में रहता हूँ, उसमें तो कम से कम कई आदमी रहते हैं, 10-15-20 आदमी काम करते हैं सर। अभी समय पर कितने आदमी थे, मतलब उस समय पर मैं था नीचे, जब खाना खा के मैं आग सेक रहा था सर, तब एक फटी, तो हम सब तो दबा थे, किसी तरह निकले उसमें से। एक बंदा हमारे यहाँ का एक्सपायर हो गया, दो बंदे एक्सपायर हो गए हमारे चाचा भी।